आगरा नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा खुलासा आया सामने। निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 95 के प्रत्याशी ने लगाए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप, जिनमें पीड़ित प्रत्याशी ने अपने ही परिवार के 9 में से 3 वोट गायब होने की आशंका जताई, जिसमें पीड़ित प्रत्याशी महिला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा इसकी जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। निर्दलीय उम्मीदवार पार्षद पद के लिए खड़ी हुई थी। मेरा वार्ड नंबर मतलब मैं जिस जगह पर रहती हूँ उसका था 1179। वहाँ पर मेरे घर के ही 9 व्यक्ति थे जिन्होंने वोट दिया है मुझे। और बताइए, वोटिंग लिस्ट में मेरे 6 वोट दिखा रहे हैं, ठीक है। और आज 95 वार्ड है। 95 वार्ड, हाँ, 6 वोट दिखा रहे हैं जबकि मेरे घर के 9 वोट है, बताइए। और मेरी पूरी गली ने मुझे वोट दिया है, लेकिन इन्हें वोट मेरे को 6-3 वोट दिखा रहे हैं, बताइए कितनी बेईमानी करी जा रही है। अगर बीजेपी को ही जिताना था तो आम जनता को क्यों बेवकूफ बनाते हैं ये लोग? मेरे लिए कितने लोग वोट देने गए हैं? आपको दिक्कत लग रही है कहाँ आपको? मेरे को 1179 में ही दिक्कत है, सबसे पहले तो यही दिक्कत है, क्योंकि मेरे घर के वोट थे, मेरे घर के वोट ही नहीं है उसमें। आप बताइए कितनी बड़ी बेईमानी है ये। कौन सा आपका है बूथ संख्या इसमें? आपके घर के वोट देने में कौन सा बूथ संख्या है? क्या समस्या? क्या समस्या? ये है कि हमारे जो वोट थे वो बीजेपी को कन्वर्ट हो गए। देखिए, हम लोग सब जगह गए, और दूसरी बात, सबने हमें वोट भी दिए, तुम्हारे वोट कहाँ गए? हमारे घर के वोट ही 9 है। हमारे तो कुल टोटल 100 भी नहीं है। आप ये मानिए, शायद मुश्किल से 10 या 20 भी नहीं होंगे अगर मिलाए तो। आप पूरी हो गई वोटिंग के टाइम में कटौती, मतलब लिस्टों में बहुत हुई थी कटौती जी? नहीं, उस लिस्टों से कोई मतलब नहीं था। जो वोट मुझे मिलने थे वो सब वोट बीजेपी में कर दिए। बीजेपी वाले को कोई वोट देना नहीं चाहता था, क्यों? क्योंकि वो लोहा मंडी का आदमी था, मेरे यहाँ का आदमी कोई पसंद नहीं कर रहा था उसको, और उसको कोई भी वोट देना पसंद नहीं कर रहा था। हाँ बिल्कुल है, 110% शासन प्रशासन से आज इस बिल्कुल मेरी मैं कहूंगी बिल्कुल इंक्वायरी करिए, और ये वाला ऐसे चुनाव करवाना है तो कतई चुनाव मत करवाइए। क्यों जनता को चूतिया बना रहे हैं? ठीक है, साफ बात है। जो हमारे एरिया की, तो उसमें हम मात्र में 6 वोट मिले, जबकि हमारी पूरी कॉलोनी हमें वोट देने आई थी, तो बाकी के वोट कहाँ गए? हमारे खुद के 9 वोट थे घर के, हमारे घर के खुद के 9 वोट थे, वो कहाँ गए? 6 वोट आए, बताइए जरा वो कहाँ गए सब वोट हमारे? वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइंस के कलेक्शन, जहाँ आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियाँ एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियाँ एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियाँ, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियाँ अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम, जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा, अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।